वेलकम बैक टू ऑटो रिव्यू दोस्तों। आज हम रिव्यू करने वाले हैं बाइक का, जो कि हमारी इंडियन ब्रांड है यसडी। दोस्तों वो बाइक इतनी शानदार है, ऑफ रोडर बाइक है, और ये रही वो बाइक यसडी एडवेंचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फेस की, फ्रंट फेस की। ये जो आप हेडलाइट देख रहे हैं दोस्तों, ये LED हेडलैम्प है, जो कि नाइट के टाइम राइड कर रहे हैं तो विजिबिलिटी बहुत ही शानदार आती है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको मडगार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें डुअल मडगार्ड है, जैसे कि आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ये कई लोग क्या करते हैं, ये मडगार्ड को रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ताकि मड यहाँ फंसे नहीं और रनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं इसके, ये विंडशील्ड है, ये एसेसरीज का पार्ट है। आप इसमें एक छोटा पार्ट भी आता है, बड़ा भी आता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा एसेसरीज आपको लगाना है। सबसे पहले आपको बता दूँ इसकी बहुत ही शानदार एक चीज दोस्तों, ये आप डिस्क ब्रेक देखिए, इसकी जो डिस्क का साइज है ये कोई नॉर्मल साइज नहीं है, ये बहुत ही बड़ा ह्यूज डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। इसमें डुअल चैनल डिस्क ब्रेक है विथ ABS। आपने मैक्सिमम देखा होगा रेडिएटर कार्स में, ये बाइक में दिया हुआ है रेडिएटर, देख सकते हैं आप, ऑयल कूल्ड रेडिएटर बोलते हैं इसको। इसके अंदर कभी भी ऐसे लॉन्ग ड्राइव आप जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, लेह लद्दाख जा रहे हैं, वहाँ पर गाड़ी पर बहुत प्रेशर आता है, इंजन पर बहुत प्रेशर आता है, तो ये आपके इंजन को ठंडा रखेगा, कूल रखेगा। ये ऑफ रोडर बाइक है तो इसकी बाइक का जो फ्रंट टायर होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है, तो ये फ्रंट टायर जो है वो 21 इंचेस का है, जो कि बहुत बड़ा टायर है, देख सकते हैं आप। और आप देख सकते हैं ये स्पोक व्हील है, ऑफ रोडर बाइक में हमेशा स्पोक व्हील ही होता है, क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब अगर आप अलॉय व्हील वाली बाइक ऑफ रोडिंग करते हैं तो वो इम्पैक्ट पड़ता है, तो अलॉय व्हील बैंड होने का, टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये स्पोक व्हील क्या होता है ना, जैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो बैंड नहीं होता, दैट्स वाई ये ट्यूब टायर ही यूज़ किए जाते हैं, स्पोक व्हील ही यूज़ किए जाते हैं ऑफ रोडिंग बाइक में। तो अब हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक की। इसका फ्यूल टैंक का जो कैपेसिटी है दोस्तों, वो 15.5 लीटर का है, जो कि आपको लॉन्ग ड्राइव में बहुत ही फ़ायदा देती है। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं टैंक का। देखिए ये टैंक में आपको सबसे पहले देखने को मिलती है ब्रांडिंग यसडी की। थोड़ा सा अगर साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट दिखता है ये, फिर थोड़ा साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको एडवेंचर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है, तो इसका रियर जो टायर है वो थोड़ा सा फ्रंट से छोटा रहता है। रियर साइड का जो टायर साइज है वो 17 इंचेस का है, जो कि देख सकते हैं वो ब्रॉड है, काफ़ी ब्रॉड है, फ्रंट से ब्रॉड देखने को मिल रहा है। और देखिए इसके डिस्क ब्रेक दोस्तों, ये डुअल चैनल डिस्क ब्रेक है विथ ABS। ये आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग में बहुत ही बेनिफिशियल मानी जाती है। इस गाड़ी में 6 गियर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर व्यू की। रियर व्यू में आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार इसकी स्टॉप लाइट दी हुई है, जो कि छोटी सी है और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने को। जो इंडिकेटर्स है वो भी बहुत छोटे से, क्यूट से, बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। देखिए काफ़ी सारे इंडिकेशन देखने को मिलते हैं, इंजन चेक का, न्यूट्रल का, ABS का और फ्यूल इंडिकेशन का, सारे इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये जो आपको यहाँ पे यसडी का जो लोगो देखने को मिल रहा है मीटर में, ये यहाँ से आपको नेविगेशन देखने को मिलेगा, जिसको यूज़ करने के लिए आपको यसडी का ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आपको नेविगेशन आप देख सकते हैं। दोस्तों इस गाड़ी में 3 मोड देखने को मिलते हैं। ये जो 2 बटन आप देखने को मिल रहा है आपको, ये 2 बटन को प्रेस करके आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 मोड बता दूँ कौन कौन से है। एक तो नॉर्मल मोड है, जो आप नॉर्मल रोड पर चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं। सेकेंड मोड है रेन मोड, जैसे कि बरसात का मौसम आता है और आपको जैसे स्लिप ना हो आपकी गाड़ी, तो उसके लिए आपको रेन मोड में आप चला सकते हैं। थर्ड है दोस्तों ऑफ रोड मोड, जिससे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कच्चे पक्के रोड में चला रहे हैं, तो आप ऑफ रोड मोड ऑन करके आप इस बाइक का लुफ्त उठा सकते हैं। तो इस गाड़ी में ब्लूटूथ का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके ब्लूटूथ के, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आप अपने यूज़ कर सकते हैं। तो एक और फीचर देखने को मिलता है यहाँ पर, जैसे कि आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो आपके पास जैसे कि फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास USB चार्जर है तो इसमें लगे आप चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, जैसे आपको टाइप सी चार्जर आपके पास, तो टाइप सी कनेक्ट करके अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये फीचर भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ही शानदार फीचर लगा। हालांकि ये सारे फीचर्स मैक्सिमम आपने देखा होगा कोई कार में फीचर होते हैं, और ये आपको बाइक में ये फीचर आपको देखने को मिल रहे हैं। फ्यूल टैंक का जो कैप है वो देखिए आप कितना शानदार देखने को मिल रहा है, क्रोम है, और उसके ऊपर यसडी की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, जो कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सीट की। दोस्तों सीट बाइक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जो कि जब भी हम कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, ऐसी बाइक्स दोस्तों हम लॉन्ग ड्राइव के लिए लेते हैं ज़्यादातर, जैसे ऑफ रोडिंग के लिए लेते हैं, तो कम्फर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए आप डुअल सीट इसमें दी गई है, और बकेट सीट का फील देगा आपको ये गाड़ी, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो आपको जर्क बहुत कम फील होगा इस सीट पर। हैंडल के राइट साइड में आपको कुछ फीचर्स और देखने को मिलते हैं, जैसे कि
इंडियन कट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आपको हैजर्ड लाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी की सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सभी इंडिकेटर्स के ऑन हो चुके हैं। इसके इग्निशन की पोजीशन है वो यहाँ पर दी हुई है मीटर के बिल्कुल पास में। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की। 350 सीसी का इसका इंजन है, 30.2 का BHP हॉर्स पावर है, टॉर्क है 30 Nm का टॉर्क है, 188 kg की गाड़ी का ऑल वेट है। और दोस्तों इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 का ग्राउंड क्लियरेंस है और फुल डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। अभी हमने एडवेंचर को चलाया, इसका टेस्ट राइड लिया, इसका जो परफॉर्मेंस था दोस्तों बहुत ही शानदार था। स्पेशली इसका इंजन पावर, मुझे कहीं पर भी ये नहीं लगा कि इसका इंजन पावर कम है। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा गाड़ी को लेकर के। दोस्तों अगर आप ऑफ रोडर हैं या आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं, आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको लेना चाहिए। ये गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिलेगा 2,72,000 का। अगर आप गाड़ी परचेस करना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और अपनी गाड़ी बुक करिए, परचेस करिए। और आपके पास और एक ऑप्शन है, आप शोरूम पर जाकर के नागपुर के सीए रोड पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास में ये शोरूम है, गाड़ी वहाँ पर परचेस कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस और देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।